जी नमस्कार सर। तो आज आज आपका अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुआ उसके लेकर आज आपका क्या रहा मीटिंग में, क्या एजेंडा था और क्या क्या तैयारियां आपने करी? बहुत सफल और शानदार बैठक हुई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या करना है, क्या कार्यक्रम वाले हैं, सारा जिक्र किया है। अब इस जनसंपर्क चलेगा, मेरा परिवार भाजपा परिवार का कार्यक्रम पूरा होगा, प्रचार प्रसार की बातें होगी और फिर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं होगी और अंततः बहुत बड़ी रैली राष्ट्रीय नेताओं की होगी। उसमें कौन कौन से नेता आता है देखते हैं। हमारा प्रयास ये है कि दो दो कार्यक्रम हर संसदीय क्षेत्र में मिले ताकि वहाँ पर बड़ी रैलियाँ भी हो सके। तो सर इस बार बीजेपी कि जो लोकसभा इलेक्शन की जो तैयारी है उससे पिछले इलेक्शंस में बहुत सारे आपके प्रतिनिधि ने ये कहा था कि बीजेपी सिर्फ एक चेहरे की वजह से जीती है, क्या इस बार आपका चेहरा बोलेगा या काम बोलेगा? इस बार मार्जिन भी डबल होगा जीतने का और चेहरा भी होगा और उस चेहरे का शानदार काम भी होगा। तो इस बार सर जो पुलवामा का जो प्रकरण हुआ है और उसके बाद जो एयर स्ट्राइक जैसे हिंदुस्तान में बहुत काम हुए हैं, उनका भी क्या बीजेपी सरकार के बनने में कोई रोल रहने वाला है इस बार, आपको क्या लगता है? जब सत्ता में कोई दल होता है तो उसके जो काम किए गए होते हैं उनका सबका योगदान होता है। निश्चित तौर पे हर काम जो हमारे प्रधानमंत्री ने शानदार ढंग से किया है उसका लाभ होगा। प्रदेश सरकार ने भी 1.5 साल में बहुत अच्छा काम किया, इसका भी लाभ होगा। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चेहरे हैं इस बार, क्या वही रहने वाले हैं या कुछ बदलाव आप लोग करने का प्रयास कर रहे हैं? आपने रोल नंबर डायल कर दिया, दिल्ली से पता लगेगा। तो ये रहे मिस्टर प्रेम कुमार धूमल जी और इनसे हमने जानना था। और अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी भी हमारे बीच में हैं जो वर्तमान सांसद यहाँ पर हैं और मैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। जानना चाहेंगे अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि इस बार जो परीक्षाएँ हैं उसमें उनका किस तरह का रोल रहने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई कैंडिडेट लगातार काम करते हुए 2 साल 5 साल काम करते हुए इस जगह पर आता है जब दोबारा इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो ऐसे समय में उसे अपने कार्यों के ऊपर और अपने कार्यों के साथ में लोगों को बताना होता है, समझाना होता है। अब एक तरह से ये परीक्षा की घड़ी होती है और इस परीक्षा की घड़ी में अनुराग सिंह ठाकुर जी कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस बार क्योंकि बड़े लेवल पर बड़े मार्जिन के ऊपर बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, बड़ी पॉलिसी के लिए ही आज ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी जिसके अंदर सभी लगभग जो विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं उसके साथ में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के साथ में प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी सत्ती जी ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। और इसमें क्योंकि सभी लोग शामिल हैं, अनुराग सिंह ठाकुर जी भी रहे और क्योंकि हमने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से कैंडिडेट के चेहरों के लिए सवाल भी पूछा तो उन्होंने उसे रॉन्ग नंबर कह के अभी टाला है कि अभी वो दिल्ली से होने वाला है। बहरहाल अभी हम अनुराग जी से आपकी चर्चा कराएंगे, आपसे बात कराने का प्रयास कोशिश करेंगे और जान पाएंगे कि क्या अनुराग जी अपने संसदीय क्षेत्र को इस बार ठीक उसी तरह से जिस तरह से पीछे इलेक्शंस में लगातार उन्होंने जीत हासिल करी है, क्या उसी तरह से अनुराग जी कर पाएंगे? तो हम अनुराग जी से ये बात समझना चाहेंगे। और क्योंकि अनुराग जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के लिए और हम पहले उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि जिस तरह से पहले आपने अपने आप को प्रूव किया है इस बार भी आप करेंगे। मेरा सवाल सर अभी ये है कि इस बार आप क्योंकि परीक्षा देने जा रहे हैं, ऑब्वियसली 4 साल 5 साल के बाद आप जो पढ़ाई करके आए हैं ग्राउंड के बीच में, इस बार आपको क्या कॉन्फिडेंस है आपकी परीक्षा के ऊपर कि क्या क्या कितने मार्क्स लेकर आएंगे? हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने सदा भारतीय जनता पार्टी को चुना, विकास को चुना और पिछले 5 वर्ष ये दिखाते हैं कि मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को वो दिया है जो उम्मीद से ज़्यादा है। 70 वर्षों में रेलवे लाइन कोई नहीं दे पाया था, भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया,
ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन सैंक्शन हो गई, नंगल ऊना तरवाड़ा रेलवे लाइन दौलतपुर चौक चिंतपूर्णी तक पहुंच गई और 8 नई ट्रेनें शुरू हो गई। सैकड़ों नई सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी। बड़े अस्पताल का नाम हमारे यहाँ कहीं नहीं था। एम्स अस्पताल 1350 करोड़ रुपये का, PGI अस्पताल 500 करोड़ रुपये का, दो नए मेडिकल कॉलेज जिनमें से एक हमीरपुर में और 500 बिस्तर का अस्पताल 400 करोड़ रुपये का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सैकड़ों करोड़ रुपये की, IIIT 300 करोड़ रुपये का, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 150 करोड़ रुपये का, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेकर बहुत सारी और ऐसे तोहफे मोदी सरकार ने दिए हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी भी संसदीय क्षेत्र के लिए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे प्रयास और मोदी जी का आशीर्वाद ये रंग लाए। और अमलीजामा तब पहुंचा जब जयराम जी की सरकार यहाँ पर बनी और राज्य की सरकार ने सहयोग करना शुरू किया। तो कुल मिलाकर अगर केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई तो हिमाचल का विकास हुआ है और हिमाचल इस विकास को रुकने नहीं देना चाहता और आगे लाना चाहता। जी अनुराग जी, मेरा एक सवाल और आपसे मैं चलते चलते करूँगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कार्यकर्ता अभी आपके साथ लगेंगे लोकसभा चुनाव में, इनकी बहुत भूमिका रहती है। कोई खास मैसेज देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए आप, कोई स्पेशल चीज़ आपकी तरफ से? नए भारत के निर्माण के लिए नव मतदाता के वोट की बहुत आवश्यकता है। आज के युवा को इस पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए भारत के निर्माण के लिए वोट भी करना है। और वोट तब हो सकता है जब वोट बनाएंगे, सूची को चेक करेंगे और वो अपने साथ साथ बाकी लोगों को जागरूक करेंगे वोट बनाने के लिए, वोट डालने के लिए। तो मेरा पहला निवेदन तो ये रहेगा। दूसरा, अच्छी सरकार बनाने से पहले कुछ बातों को जरूर देखें कि 10% आरक्षण जो गरीबों के लिए दिया, ये 70 वर्षों में किसी ने नहीं, मोदी सरकार ने दिया। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बना दिया, मोदी सरकार ने बनाया। आतंकवादियों को और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। जो लाखों बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर मल्टी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मोदी सरकार ने दिए, 1 rank 1 pension से लेकर PM किसान सम्मान योजना में 6,000 रुपया किसानों के सीधा खाते में डालकर 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष किसान को, तो वहीं पर 35,000 करोड़ रुपया हमने पूर्व सैनिकों को पेंशन का दिया। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज अगर मोदी सरकार ने मुफ्त में दिया है, तो अनऑर्गेनाइज जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको 3,000 रुपया महीने की पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मोदी सरकार ने दी। अगर 2 करोड़ लोगों को पक्के घर मोदी सरकार बना के दिए तो 36 करोड़ लोगों के बैंक खाते भी खोले, तो 22 करोड़ लोगों को 12 रुपये में 2 लाख रुपये का बीमा भी दिया। अब ये मैं लिस्ट लंबी गिना सकता हूँ जो सुबह से शाम तक हो सकती है, लेकिन ये कह सकता हूँ सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ मोदी सरकार ने काम किया और आगे भी करेंगे। अनुराग जी, यहाँ पर एक बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन मेरे जहन में आया है, और क्योंकि मैं पहले इसको नहीं सोच रहा था लेकिन अभी मैं इस बात को इसलिए पूछ रहा हूँ, ये एक सवाल जुड़ा है युवाओं से लेकर, और क्योंकि आप युवाओं का एक आइकन हैं, आप कहीं ना कहीं एक सांसद जो है वो युवा सांसद के रूप में गिने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर बहुत ज़्यादा कारोबार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार इसको लेकर शायद काम भी कर रही हो, आपका क्या रोल रहेगा इसके अंदर अगर आप दोबारा सांसद बन जाते हैं, तो आप इसके लिए क्या ऐसा कदम उठाने का प्रयास करेंगे जिससे ये हिमाचल के अंदर कुछ इस पे रोक लगाई जा सके? पहली बात तो जागरूकता सबसे आवश्यक है। दूसरा, सप्लाई ना हो उस पर रोक लगना और इन लोगों की धरपकड़ करना जरूरी है। हमारी सरकार ने जागरूकता भी की है और नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की है, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं एक वर्ष में जयराम जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम नशा रोकने के क्षेत्र में हुआ। इतनी कार्रवाई पहले कभी नहीं हो पाई जितनी अब देखने को मिली। दिल्ली तक और बाहर तक से भी नशा के व्यापारियों को पकड़ कर लाए। और जब समाज जागरूक होगा, युवा स्वयं नशे को ना कहेंगे, तो बेचने वाला जितनी मर्जी दुकान खोले, खरीदार नहीं होगा तो अपने आप दुकान बंद हो जाएगी। और हमने सांसद स्टार खेल महाकुंभ करके 25,000 युवाओं को खेलने के लिए प्रेरित किया, तो लाखों युवाओं को जागरूक भी किया है। इससे क्या होगा, खेलों को बढ़ावा मिलेगा, नशे को ना होगी, और कुल मिलाकर आने वाले वर्षों में हम इस समस्या से निजात पा पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज हमने आपकी मुलाकात कराई वर्तमान सांसद जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? वर्तमान भी आपके कारण हूँ और भविष्य में भी आपके कारण ही बनूँ। आपने जहाँ सेवा का पहले अवसर दिया है, एक बार फिर मौका दें ताकि मैं मोदी जी के नेतृत्व में अपने हिमाचल को और विकास करवा सकूं। अगर धर्मशाला स्टेडियम से दुनिया भर में हिमाचल का नाम किया तो अब एम्स, पीजीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी और सबसे हिमाचल को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। सांसद भारत दर्शन, सांसद स्टार खेल महाकुंभ और सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा जैसी अनूठे कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों को लाभ पहुँचाया है। तो ये आपके ही तो आशीर्वाद के कारण है। आप ही ताकत देते हैं, आप ही आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। आप जितनी ताकत और देंगे, हम अपने हिमाचल को उतना आगे और बढ़ाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे वर्तमान सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी। इनसे चर्चा करने के बाद इन्होंने आज अपनी बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में बताया, क्या क्या अचीवमेंट्स इन्होंने हिमाचल के लिए की हैं, और इसके साथ साथ में नशे पर भी इन्होंने कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया। अभी समय है, अनुराग जी आज जो भी जिस तरह से लोकसभा की तैयारियों में लगे हैं, उनसे इनका हौसला देखकर तो ये लगता है कि ये काफ़ी अच्छी तैयारी करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस हैं और तैयारियां मजबूत ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्हीं तैयारियों के साथ में हम इनको शुभकामनाएँ देते हैं। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज़। थैंक यू।